नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रैपिड टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं अर्चना। नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। आगामी 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी संलग्न कावाखली मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी टीम ने आज सभा स्थल का लिया जायजा। ममता बनर्जी ने आज कुछ बिहार के उतरेर और शीतलकुची के साथ ही दक्षिण 24 परगना में जनसभा को किया संबोधित। जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें केंद्र वाहिनी पर कोई भरोसा नहीं, साथ ही केंद्र वाहिनी के खिलाफ कई आरोप भी लगाए। ममता बनर्जी ने चुनाव में जीत का किया दावा, भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सब कुछ बेच रही। कुछ बिहार में आगामी 10 अप्रैल को होगा चौथे चरण का मतदान। सिंगूर हावड़ा में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। जलपाईगुड़ी, कौशांग व उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में चुनावी जनसभा को संबोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर बंगाल दौरे पर। कौशांग पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कौशांग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विष्णु प्रसाद शर्मा के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गोरखाओं पर काफी अत्याचार हो रहा, साथ ही दार्जिलिंग में नहीं हुआ कोई विकास। बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद और कुमारग्राम रवाना होने से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी पर जमकर साधा निशाना। दिलीप घोष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव के बाद ममता बनर्जी व्हीलचेयर से उठेंगी, लेकिन 2 मई के बाद उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं रहेगी। वही केंद्र वाहिनी को लेकर ममता बनर्जी द्वारा किए गए टिप्पणी को लेकर दिलीप घोष ने कहा कि इससे पहले भी राज्य में 2 बार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस केंद्र वाहिनी की निगरानी में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार हार के डर से ममता बनर्जी केंद्र वाहिनी पर लगा रही है आरोप। प्रधानमंत्री द्वारा ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहने को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने लगाया मुख्यमंत्री का आरोप। वही दिलीप घोष ने कहा कि दीदी एक सम्मानजनक शब्द। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज खोरीबारी के हाई स्कूल मैदान में फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दुर्गा मुर्मू के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से संयुक्त मोर्चा के वामपंथी उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य ने आज शहर के रेगुलेटेड मार्केट में किया चुनाव प्रचार, व्यवसायियों और श्रमिकों से की बातचीत। इसके साथ ही संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य और शंकर मल्लाकार ने आज सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन में किया चुनाव प्रचार। चोरी के 16 मोबाइल के साथ एनजीपी थाना पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। भाजपा के प्रदेश महासचिव सैंतन बसु ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिलीगुड़ी में अग्नियास्त्र के बार बार मिलने का मामले के पीछे तृणमूल का हाथ। सैंतन बसु ने कहा कि यदि तृणमूल नेताओं के घर में जांच की जाए तो ईवीएम मशीन भी होगी बरामद। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के घरों और वाहनों से अग्नियास्त्र और ईवीएम मशीनें बरामद होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत राजगंज के विभिन्न अंचलों में पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग हुई शुरू। कुछ बिहार के 4 नंबर वार्ड में एक व्यवसायी को गोली मारकर हत्या करने के मामले को लेकर आज स्थानीय लोगों ने टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी नगर निगम के 1 नंबर वार्ड अंतर्गत बीआर कॉलोनी में धड़ल्ले से चल रहे मादक पदार्थ के काले कारोबार के खिलाफ आज स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों ने रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन को लेकर आज इस्लामपुर महकमा शासक से की बातचीत। रैपिड टाइम्स में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।